नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आपको सीधा लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसरदा बांध में अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा और इस प्रस्तावित लिंक परियोजना के पूर्ण होने की अवधि लगभग 5 से 7 वर्ष है, तो क्या माननीय मंत्री महोदय, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था अलवर शहर सहित अलवर जिले के जो आपने चयनित स्थान किए हैं उसका कोई प्रस्ताव रखते हैं, तथा अलवर शहर में इसरदा बांध परियोजना का पानी किस समय अवधि तक पहुंच जाएगा वो माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा प्रश्न पूछा उसका जवाब तो माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही दिया जा चुका है कि इस ये जो कंडीशनल है सारी चीजें, इस सदा का जो द्वितीय चरण है वो और पानी की उपलब्धता, इसके बाद ही हम इनको शामिल कर पाएंगे। पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो मैं ये कहूं कि शामिल हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी की उपलब्धता साफ हमने बनाए, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं समय के भी, हम उसके हिसाब से कार्य पूर्ण कर सकें। और अभी वर्तमान में इस जो वैकल्पिक व्यवस्था है ऑलरेडी चल रही है, इसके अलावा जल जीवन मिशन के वैकल्पिक रूप में मेरे ख्याल से कोई अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल मिशन योजना में तो मेरी मां 2.5 पंचायत आती हैं और अलवर शहर में पानी की विकट समस्या है, तराई तराई मची हुई है इस वक्त भी। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, जो अलवर जिले का बहरोड़, मुंडावर, किशनगबास, तिजारा व रामगढ़ जो इसरदा बांध परियोजना से जुड़ने से रह गए हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय आने वाले समय में इन क्षेत्रों को भी जोड़ने की मंशा रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक? पानी होगा ये सवाल के स्कोप में नहीं है सर, फिर भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय ये जो आप मुझे प्रस्ताव देंगे तो मैं उसको अधिकारियों को भेजूंगा और अगर व्यवहारिक रूप में संभव हुआ, फिजिबल हुआ तो उनको जुड़वाने की कोशिश करेंगे। और जो आपने पहला सवाल किया था कि भाई ग्राउंड वाटर जो सप्लाई है वो तब तक जारी रहेगी जब तक कि नई कोई JJM का कार्य पूरा नहीं हो जाता। अगला प्रश्न श्रीमती मंजू देवी। प्रश्न संख्या 406। खंड एक, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 के प्रावधानों व भारत सरकार के निर्देश दिनांक 12/7/2021 के अनुसार ट्रस्ट फंड में उपलब्ध राशि का उपयोग जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में दिनांक 28/2/22 तक जिला नागौर में उक्त फंड में राशि ₹7,983.08 लाख अंशदान के रूप में जमा हुए हैं। विवरण परिशिष्ट एक पर उपलब्ध है। खंड दो, विधानसभा क्षेत्र जायल में उक्त अवधि में जमा राशि में से कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जायल विधानसभा क्षेत्र में DMFT की से कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया है, तो क्या सरकार अब कोई विकास कार्य स्वीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, TMFT के कार्य जिला गवर्नर कौंसिल स्वीकृत करती है, तो आगामी जो बैठक हो उसमें माननीय सदस्य विधायक जी उसकी सदस्य हैं, वो अपने प्रस्ताव रखे हैं और जो निर्णय वो करेगी वो सर्वोपरि है। अगला प्रश्न गोपीचंद मीणा। प्रश्न संख्या 407। अध्यक्ष महोदय, खंड एक, जिला डूंगरपुर में प्रशासन गांवों के संघ अभियान में 24,072 पट्टे आवंटित किए गए, पट्टों का तहसीलवार संख्या विवरण परिशिष्ट एक पर संकलन है। खंड दो, उक्त अभियान में प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण किए जाने हेतु 2.89 हेक्टर जमीन आवंटित की गई, आवंटित जमीन का विभागवार एवं तहसीलवार परिशिष्ट दो पर संकलन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत ये पूछना चाह रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अंदर ही छिपा हुआ है। मेरा ये कहना था कि जो हमारे उस क्षेत्र में जो भूमि आवंटन की थी जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कों का क्या मापदंड है जो इतनी ज़मीन छोड़ करके ही उसका अलॉटमेंट किया जाए, ये हमारे वहाँ पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, कम से कम 150 मीटर इस तरफ और 150 मीटर इस तरफ, यूँ करके
कम से कम 1 किलोमीटर की जमीन पर किसी भी प्रकार का अलॉटमेंट नहीं किया गया है, जो कि उदयपुर संभाग के लिए ही है या पूरे स्टेट के लिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि नेशनल हाईवे हैं, 4 लेन है, 6 लेन है, स्टेट रोड हैं, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हैं, इस तरह की अलग अलग उसमें डिस्टेंस रहती है, लेकिन इन्होंने केवल पट्टों की बात की है कि पट्टे इतने मिले और सरकारी जो विभाग है उनको कितनी जमीन आवंटित की, उस बारे में प्रश्न है। अगला प्रश्न श्रीमती अनिता बदेल। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन संख्या 408। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में सर्किट बेंच स्थापित करने की घोषणा की गई थी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दिनांक 18/5/2012 से सर्किट बेंच जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर एवं भरतपुर की अधिसूचना जारी की गई है। वर्तमान में सर्किट बेंच जोधपुर, कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर क्रियाशील है। भूमि एवं भवन की उपलब्धता के अभाव में अजमेर और भरतपुर में सर्किट बेंच क्रियाशील नहीं है, इस हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर में वर्ष 2015 तक के मामले अभी तक लंबित रहने हेतु राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से प्राप्त सूचना अनुसार अभिभाषक गण द्वारा बहस हेतु बार बार अवसर चाहना, विभिन्न अवधि में अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर का पद रिक्त होने से अतिरिक्त कार्यभार अन्य आयोगों के अध्यक्षों के पास होना, विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी से नियमित सुनवाई ना होना आदि कारण बताए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना, नियम 2020 के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की घोषणा के 12 वर्ष पश्चात भी भूमि और भवन की उपलब्ध की सर्किट बेंच क्रियाशील नहीं है, तो क्या मंत्री महोदय इसको भूमि और भवन की उपलब्धता के लिए पिछले 12 वर्षों में कभी कोई राज्य सरकार ने बजट आवंटित किया है क्या? एक तो पहले प्रश्न के जो पूरक प्रश्न है उसके लिए आप ये जवाब दें कि कोई बजट आवंटन किया है, और या कोई पद जो राज्य की सर्किट बेंच के लिए आवश्यक हैं वो सृजित किए हैं क्या? पहला पूरक प्रश्न ये है। और दूसरा पूरक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी। माननीय मंत्री महोदय ने 3 कारण बताए हैं। पहला कारण है अभिभाषकगण द्वारा बहस हेतु बार बार अवसर चाहना। दूसरा में अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग अजमेर का पद रिक्त होना। और तीसरा कारण बताया है कि 2 वर्षों से कोरोना महामारी। तो 2 वर्ष 2015 तक के पेंडिंग है केस, जबकि 2 वर्ष तो 2019 में ही आया कोविड, तो 15 से लेकर के 19 तक के किस कारण से पेंडिंग है? कितने मामले हैं जिनमें से अभिभाषक द्वारा बार बार अवसर चाहने के कारण से पेंडिंग है? कितने कारण ऐसे हैं जो अध्यक्ष की नियुक्ति, क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्य सरकार, मैं ये पूछ रही हूँ कि अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है, तो राज्य सरकार ने समय पर नियुक्ति क्यों नहीं की अध्यक्षों की? दूसरा मेरा प्रश्न पूछे, उत्तर दे रहे हैं। 2 ही प्रश्न पूछे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके तीनों कारणों के कारण कितने पेंडिंग बात खत्म होती है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है माननीय मंत्री जी। भारत सरकार के नियम कायदे कानून के अनुसार ये नियुक्तियाँ होती है, और आप जो ये कह रहे हैं कि जुडिशरी को गाइड नहीं किया जा सकता, और जुडिशरी सुनने नहीं जाते, अगला प्रश्न पे जाऊं। हम क्या, आप क्या भजन कीर्तन कर रहे थे 5 साल तक भूमि उपलब्ध कराने के लिए मना? माननीय मंत्री जी इधर देखिए, मैं अध्यक्ष जी इसलिए कह रहा हूँ, ये अजमेर और भरतपुर में बिल्कुल खोलने के लिए सरकार सीरियस है। कलेक्टर को भूमि के लिए चिन्हित करने के लिए लिख दिया गया, आदेश दिए गए, कल भी मैंने मीटिंग बुलाई थी, रजिस्ट्रार को बुलाया, इन लोगों को बुलाया, बात की। और ये जो सारा मामला है, भारत सरकार पैसा उपलब्ध कराती है। दिक्कत ये हो रही है कि जिस तरह से ये सवाल करते हैं उसमें ये समझना पड़ेगा ये जुडिशरी है। बार बार ये कहा जाता है कि साहब कितने मामले पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है,
वहां पर डेट मांगते हैं, कल भी मैंने कहा कि 90 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नियम है। लेकिन ये जो नियुक्तियां हुई है उसमें डीजे लेवल का हाईकोर्ट लेवल के लोग जो कि जिनकी नियुक्तियां की गई वो फैसले करते हैं, और जल्दी से जल्दी सरकार चाहती है भरतपुर में और अजमेर में लोगों को अधिकार मिले और ये सर्किट बेंच चालू हो। और बता दो आपका कोई क्वेश्चन है तो। अरे मंत्री जी, दैट इज हर फ्रीडम, प्लीज पूछे मंत्री जी, पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये पूछा है कि भूमि और भवन की उपलब्धता के लिए सरकार ने कोई बजट आवंटन किया है क्या पिछले 12 वर्षों में? दूसरा प्रश्न मैंने ये पूछा था कि कितने पद आपने स्वीकृत किए राज्य की सर्किट बेंच के लिए, कितने पद आपने स्वीकृत किए? सिर्फ ये तो एक्समेंट पे आप प्रश्न पूछते नहीं है, एक्समेंट बैठो, आप दोनों प्रश्न का जवाब दे दें, आप उसको जस्टिफाई करते हैं वापिस। माननीय मंत्री, दोनों प्रश्न का जवाब दे दें, माननीय मंत्री दोनों प्रश्न, स्पेसिफिक प्रश्न है कि ये जो आपने 12 से लगा के 22 हो गए उसमें भवन के लिए क्या प्रयत्न किए गए, और यदि सर्किट बेंच करके क्रिएट कर दी तो उसके लिए पद क्रिएट किए कि नहीं किए? हाँ, पद के लिए पूछा, मैं पद क्रिएट किया। कितने राठौड़ साहब खुश हो रहे हैं, उनको बोले मैं अपना कंट्रोल, आपकी मित्रता को मैं ठीक कर लूंगा बिल्कुल, आप मेरे से बोले। आप, मैं तो अध्यक्ष जी इनके बीच में बोल ही नहीं रहा हूँ, तभी ये रोज छप रहे अखबारों में, मैं बोलना चालू करूंगा दिक्कत हो जाएगी इनके। माननीय मंत्री जी प्लीज, ये मेरा काम आप करेंगे, मैं बैठ जाऊं, अब मेरा काम भी आप करने जाए तो बैठ जाऊं। मैंने बोल दिया माननीय मंत्री जी, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच एज ए मिनिस्टर यू हैव टू एड्रेस। सॉरी अध्यक्ष ना, प्लीज ये परंपराएं सदन में ठीक नहीं है, मुझे अनप्लेजेंट काम करना पड़ेगा, लेकिन आप एड्रेस करें चेयर को, माननीय सदस्य का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आप दें, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं करें प्लीज। यू हैव टू बिहेव लाइक ए मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष जी, मिनिस्टर तो बन गए पूरी तरह से। अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है, तो या तो आप बन जाओ या मैं बन जाऊं, नहीं नहीं दोनों में किसी एक को बनना पड़ेगा ना प्लीज। मैं प्रताप सिंह बैठेंगे प्लीज, अनफॉर्चुनेट काम मुझे करना है क्योंकि आपको कोई रोक नहीं सकता। हाउस के अंदर यदि हमें कोई परंपराएं बनानी है, आप उस लीगेसी के सदस्य फैमिली के जिसमें भैरव सिंह जी शेखावत ने हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के कुछ सर्टेन यार्डस्टिक फिक्स किए हैं, यू रिप्रेजेंट दैट लीगेसी एंड यू हैव टू मेंटेन दिस लीगेसी, एंड फॉर दैट पर्पज आई विल ऑलवेज, मैं हरदम आपको टोकूंगा, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपको प्रताप सिंह जी एक अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, पर यू हैव टू प्रूव एज ए गुड मिनिस्टर, एंड इन ऑर्डर टू डू प्रूव योर टू बी ए गुड मिनिस्टर यू हैव टू टेक सर्टेन कॉशन, सो प्लीज बिहेव लाइक ए मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, ये जो जमीन का आवंटन है, जमीन के आवंटन के लिए कलेक्टर को लिख दिया गया है, सरकार ने आदेश जारी किया है, और जमीन का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी पूरे सदन को भरोसा देता हूं, आपको भरोसा देता हूं, वापस कलेक्टर्स को बुलाकर और दबाव देकर कहा जाएगा, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं, 12 साल हो गए, पिछली सरकार ने भी इसमें आवंटन में रुचि नहीं दिखाई, हम पूरी रुचि दिखा रहे हैं, कल मैं मीटिंग कर चुका हूं, और आगे भी मैं आपको भरोसा देता हूं सदन को अध्यक्ष जी कि जल्दी से जल्दी जमीन का आवंटन कराया जाएगा। जहां तक सदस्य राज्य आयोग जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 28(2) के अनुसार प्रत्येक जिला आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर आयोग बनता है। धारा 42(3) के अनुसार राज्य आयोग में निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, क्या एक अध्यक्ष, क्या चार से अन्यून और उत्तीर्ण संख्या से अनधिक संख्या के जो केंद्रीय सरकार के परामर्श में विहित किए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के नियम 4(3) के तहत जिला आयोग का कम से कम एक सदस्य तथा एक सदस्य अथवा अध्यक्ष महिला होगी। जोधपुर उदयपुर में सर्किट बेंच माह में 2 माह में सप्ताह तथा कोटा बीकानेर में 1 सप्ताह में आयोजित की जाती है। अध्यक्ष जी, राज्य आयोग का अध्यक्ष निर्धारित कर दिया गया, वर्तमान में जिला आयोग खाली एक बता दें कि जो प्लीज जो सर्किट प्लीज बैठे बैठे हैं, जो दो सर्किट बेंच इंटेंट थी भरतपुर और अजमेर, वहां कोई पोस्ट क्रिएट की क्या सर्किट बेंच के लिए? दैट्स ऑल। बजट में पोस्ट क्रिएट नहीं किया, और मैं आपको इनके जहां तक अधिकारियों का बात है, अभी पोस्ट क्रिएट नहीं किया और हमने अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। अगला प्रश्न श्री बाबूलाल खराड़ी। अन्य अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न संख्या 409। मंत्री जी,
माननीय मंत्री जी उनको बोलने का मैंने अलाउ किया, प्रश्न ये पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक विधानसभा क्षेत्र सलुम्बर में विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय योजनांतर्गत लाभान्वित बालिकाओं को दी गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है। 2018-19 में लाभान्वित बालिकाएं 3,503 व 87,57,500, 2019-20 में लाभान्वित बालिकाएं 5,410 व्यय राशि 1,35,25,000, 2020-21 में लाभान्वित बालिकाएं 4,288 व्यय 1,07,20,000। खंड दो विधानसभा क्षेत्र सलुम्बर में विगत 3 वर्षों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला एवं बालकों के कल्याण एवं उत्थान हेतु योजनावार वर्षवार आवंटित बजट एवं व्यय का पृथक पृथक विवरण CDPO सलुम्बर प्रथम का परिशिष्ट 1 पर, सलुम्बर द्वितीय का परिशिष्ट 2 पर तथा सरड़ा का परिशिष्ट 3 पर एवं महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा विधानसभा क्षेत्र सलुम्बर में संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, आपने जो तालिका मुझे दी है, जो विवरण दिया है, उससे काफ़ी आंकड़ों से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन खंड दो में आपने विवरण दिया है तालिका का, जिसमें एक योजना जो है समला राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण पोषार योजना, इसके जो आंकड़े हैं ये मुझे समझ में नहीं आते, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ दूंगा। वर्ष 18-19 में इसमें आपने रखा है 1,20,000, इसमें से खर्च आपने शून्य किया है। इसी प्रकार से आपने वर्ष 19-20 में रखा है 8,00,000 रुपये, इसमें से 19,000 रुपये खर्च किए हैं। इसी प्रकार 20-21 में आपने इसमें रखा था, इसमें संतुष्ट हैं हम लोग, ठीक है, आपने ठीक किया है। तीसरा आपने जो ये अलग अलग सरड़ा और इनमें बताया, इसी में भी यही है, ये वर्ष 20-18 में आपने किया है 2,20,000, इसमें शून्य है। आगे भी आपने जो यहाँ खर्च किया है, प्रश्न पूछे आप। ये मैं जो जानना चाहता हूँ कि आपने इस योजना का या तो महत्व कम हो गया है, क्या कारण है आप बताएं, क्यों कम खर्च हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है सबला राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना पे जो खर्च की स्थिति इन्होंने पूछी है, और ये कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि 18-19 में। माननीय अध्यक्ष महोदय, 18-19 में इन्हीं की सरकार थी, शून्य हुआ है, तो हमने तो उसको आने, जब हम लोग सरकार के अंदर आए तब हमने उसके ऊपर कार्रवाई चालू की है। 19-20 में 6,00,000 रुपए हमने आवंटित भी किए, हमने प्रयास किया, क्योंकि ये योजना 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जागरूक करने हेतु पोषकीय एवं गैर पोषकीय सेवाओं